प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपको राजनीति विज्ञान बीए फाइनल का जो प्रथम पेपर है उसमें लोक प्रशासन का क्षेत्र, जैसा कि पहली कक्षाओं में इसको हम समझ चुके हैं कि इसका व्यापक दृष्टिकोण क्या है और संकुचित दृष्टिकोण क्या है। इसके बाद हम लोग आज समझेंगे लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में, लूथर गुलिक ने जो मत प्रतिपादित किया, उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉर्ब। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी, थियोल इत्यादि विद्वानों ने पोस्ट कॉर्ब के ऊपर अपनी अपनी राय व्यक्त की, लेकिन लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्ब, जो अंग्रेजी के 7 शब्दों या अक्षरों से मिलकर बनता है, यानी अन्य जो इसके पहले पोस्ट कॉर्ब की चर्चा की जिन लेखकों ने, उनमें उर्विक, हेनरी, थियोल इत्यादि रहे, लेकिन जो विस्तार से जानकारी पोस्ट कॉर्ब शब्द के संबंध में लूथर गुलिक ने दी, उसको हम समझते हैं क्या है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने अंग्रेजी के 7 अक्षरों को मिलाकर बनाया, वो इस प्रकार है। आप यदि इसको ठीक से समझे तो लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो आपकी समझ में पूर्णतः आ जाएगा। सबसे पहले है पी का क्या अर्थ होता है? पी का अर्थ होता है प्लानिंग, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी रीतियां नीतियां निर्धारण करना। तो लूथर गुलिक ने जो पहला शब्द यूज किया है प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में, यानी लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है उसके संबंध में लूथर गुलिक ने जो अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया उसमें से पहला अक्षर लिया उसने पी, और पी का अर्थ क्या बताया उसने? उसने कहा सबसे पहले प्लानिंग अर्थात हमें किसी चीज का नियोजन करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, और रूपरेखा तैयार करके हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस नीतियों का भी निर्धारण करना। ये हो गया पी शब्द का। दूसरा उन्होंने दिया क्या? दूसरा होता है ओ का आशय है संगठन बनाना, यानी ऑर्गेनाइजिंग, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन तैयार करना, संगठन बनाना। और इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रशासकीय ढांचा है उसको इस प्रकार संगठित करना ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन, उनका वितरण ठीक ढंग से किया जाए और उन विभागों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए, उन समन्वय स्थापित किया जा सके आसानी से, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संगठन बनाना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, हमें प्रशासन के को कार्यकुशल बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद उसके लिए संगठन करना तैयार करना पड़ेगा, फिर इसके बाद उसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी स्टाफिंग की व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवस्था किस लिए, क्योंकि कर्मचारी वर्ग जब नियुक्त होगा तो उनके लिए प्रशिक्षण, उनके कार्य की जो दशाएं हैं, उनके कार्य की दशाओं का निर्माण करना, इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो गया, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था। इसके बाद होता है डायरेक्टिंग, डी से क्या हो गया, डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन देना या निर्देशन करना। इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत जो निर्णय या जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं, ऐसे समझें कि जो निर्णय निर्णायकों के द्वारा कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं, वे निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में उन्हें सन्निहित करके प्रशासकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों तक पहुंचा देना, यानी निर्देशन करना, उनका दिशा निर्देशन करना कार्य के संबंध में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निर्देशन, डी माने डायरेक्शन। अब इसके बाद आता है अगला कोऑर्डिनेशन, सी से क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, को सी ओ को कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना, कार्यों के जो विभिन्न विभाग हैं प्रशासनिक क्षेत्र में या लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में, जो कार्य के विभिन्न जो विभाग हुआ करते हैं, उन विभागों में परस्पर यानी कार्यों के विभिन्न भागों में, यानी विभिन्न जो विभाग हैं उन विभागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना, ये हो गया समन्वय करना, यानी प्रशासन के क्षेत्र में जो भी विभाग हैं उन विभागों में या उन भागों में परस्पर सामंजस्य समन्वय स्थापित करना। इसके बाद अगला है आर, पोस्ट कार्म की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, पोस्ट कार्म से उसने लूथर गुलिक ने पूरे लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। तो हम लोग अब पढ़े आर, आर का आशय है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का आशय क्या है, रिपोर्टिंग का अर्थ होता है रपट देना, रिपोर्ट देना। इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित करते रखते रखना। इसका अर्थ ये हो गया कि जो उद्देश्य वरिष्ठ या निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना, एवं इसका उद्देश्य ये हो गया सीधा सा अर्थ कि हमें निरीक्षण के लिए अवलेख तैयार करना, निरीक्षण के लिए अवलेख तैयार करना। और अगला है B,
बी पोस्ट कार यानी बी लास्ट में आता है बी। बी क्या है ये? बी है बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत क्या हो गया? इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन हम ये से समझे कि बजट तैयार करना है। ये जो पोस्ट कार्म की चर्चा सबसे मैंने आपको पहले बताया लूथर गुलिक ने की, और लूथर गुलिक ने विस्तार से इसका अर्थ बना बताया आपको। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, और एस से स्टाफिंग, और डी से डिस्क्राइटिंग निर्देशन करना, और को से कोऑर्डिनेशन, और आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। और इस तरह से हम लोग कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कार्म विचार को सामान्यतः प्रशासनिक क्षेत्र में स्वीकार भी किया जाता है। नेक्स्ट हम अगले कक्षा में आपको पोस्ट कार्म विचार की जो आलोचना हुई है उसको भी संक्षिप्त रूप से आपको अगले अध्ययन में इसकी चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।